आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाल कर आज का ये समय हमारे जीवन में दिया और शाम के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सच में परमेश्वर महान है, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और सच में इन बातों को हम तब जान पाते हैं जब लोगों के जीवन में कार्य होते हैं। और बहुत सारी गवाहियां आज मेरे पास है जो कि मैं आपके सामने बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम प्रार्थना के दौरान किए और उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें उनके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को किया। तो बहन निर्मला की गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कि गुजरात की रहने वाली हैं और उनके बेटे को हार्ट प्रॉब्लम थी। ऐसे ही वो एक दिन वीडियो देख रही थी और उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपने बेटे जब वीडियो में प्रार्थना चल रही थी तो उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके बेटे को चंगाई दी और उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमें फ़ोन कॉल करके बताया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। तो सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। कोई भी बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं है और सच में हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा, पर परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। एक भाई है जो कि अजमेर से है, अजमाल काठा उनका नाम है, और 17 साल से उनके पास घर नहीं था और वो वीडियो को देखते और प्रार्थना को सुनते और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते तो प्रभु ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया कि उन्हें 17 साल बाद उन्हें परमेश्वर ने घर दिया और बहुत अच्छा घर दिया और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके विश्वास के द्वारा उनके लिए बड़े कामों को किया। तो सच में परमेश्वर के लिए हम धन्यवादी हैं उन भाई के जीवन के लिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है। तो आइए हम सब मिलकर आपके लिए, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और जितने भी लोगों की गवाही आज हमने शेयर करी, प्रभु उन्हें भी, उनके परिवार को, उनके जीवनों को ब्लेस करें और उनके द्वारा और भी लोग जितने भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से या फिर उससे मांग रहे हैं अपने लिए, उनके लिए भी हम परमेश्वर से दुआ करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु इस इन गवाहियों के लिए प्रभु जो आपने दी है। परमेश्वर प्रार्थना के दौरान आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया यीशु मसीह, कि जिसने तुझ पर विश्वास किया प्रभु उसके जीवन में तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, पिता यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छू लीजिए और उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है परमेश्वर पिता। यदि कोई भी आज किसी भी दर्द में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में है, यीशु मसीह आप छू लीजिए और उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर। उस परेशानी से, उस बीमारी से आप उन्हें बाहर निकाल के छुटकारा दें और एक बड़े काम को उनके जीवन में करें परमेश्वर। जो लोग कर्जे में हैं आप उनके कर्जों को चुकाएं, जो घर अपने लिए चाहते हैं उन्हें आप घर दे परमेश्वर। आज की रात के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आज की रात में परमेश्वर आप हर एक को मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, हर एक टेंशन से प्रभु आप उन्हें राहत दे के रेस्ट दे परमेश्वर, आराम दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।